अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है? अदालत अब्दुल अलीम के 2003 के सासों में वजीर बनने के बाद इजाफा हुआ, वकील नैब क्या सबूत है कि कम कीमत पर राजी खरीदी? जस्टिस सरदार नईम का इस्तफसार, आपके पास पेश करने को कुछ है नहीं, जो पेश कर रहे हैं वो तो खुद अब्दुल अलीम ने आपको दिया है। अदालत जस्टिस अली बाकी नकवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच की अब्दुल अलीम की दरखास्त जमानत पर समाअत, गवाहान के बयान का रिकॉर्ड तलब, समाअत 15 मई तक मुलतवी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस, शहबाज शरीफ का नुमाइंदा फैसल अफसर नैब लाहौर में पेश हो गए। शहबाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं जिस वजह से पेश नहीं हो सकते। नुमाइंदा लीगल टीम की जानिब से नैब सवालात के तहरीरी जवाबात भी भिजवाए गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क्याम की समरी मुबैना तौर पर महकमा फाइनेंस और महकमा कानून की राय लिए बगैर मंजूर की हवाले से जवाब जमा करवाया गया। साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की मुद्दत खत्म होने से पहले ही बलदियाती निज़ाम खत्म कर दिया। दरखास्त गुजार की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कालादम करार देकर पुराना निज़ाम बहाल करने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में मस्जिद की जगह पर कॉलेज की तामीर के खिलाफ केस की समाअत, अदालती हुक्म पर डीसी लाहौर सालिह सईद पेश। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद जावेद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का डीसी को 10 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का आम मार्केट में भी चीनी की कीमत में कमी का ऐलान, हिकमत अमली तैयार कर ली। आम मार्केट में भी चीनी का रेट 55 रुपए फी किलो तक ले आएंगे। सूबाई वजीर का चाइना स्कीम और शादबाग रमजान बाजार का दौरा, कहते हैं 21 रमजान के बाद सस्ते बाजारों को ईद बाजारों में तब्दील कर देंगे। और नेशनल हॉकी स्टेडियम में पीएचएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, सदारत सदर पीएचएफ ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने की। इजलास ने आसिफ बाजवा की बतौर सेक्रेटरी पीएचएफ तकरीर की मंजूरी दे दी।